नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने देर शाम जनता कर्फ्यू सफल बनाने की तैयारी की पूरी। जनता कर्फ्यू का भिवानी में व्यापक असर, प्रधानमंत्री की अपील को मिला पूर्ण जन समर्थन। जनता कर्फ्यू में लोगों का पूर्ण समर्थन, नगर परिषद की टीम ने शहर को किया सैनिटाइज। भिवानी के नागरिकों ने थाली व ताली बजाकर किया 5:30 बजे कर्मचारियों का स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी प्रशासन ने कोरोना के कहर को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। जिला उपायुक्त अजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने संयुक्त रूप से आम जन से अपील की है कि कोरोना से लड़ाई में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें और अपने और दूसरों के लिए अपनी जिम्मेवारी को समझें। वहीं धारा 144 की पालना के लिए भी उन्होंने लोगों से कहा है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, पर भिवानी जिला के लिए राहत की बात है कि यहां अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। बावजूद इसके संक्रमण खत्म होने तक और जनता कर्फ्यू कामयाब बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। खुद डीसी अजय कुमार व एसपी संगीता कालिया ने चौधरी बंशला नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और कहा कि जिला में अभी तक सब कुछ सामान्य है, साथ ही जनता कर्फ्यू के लिए आम जन का सहयोग मांगा। डीसी अजय कुमार ने कहा कि जिला में अभी तक 80 लोग विदेश से लौटे हैं, इन सभी को आइसोलेटेड किया गया है और 45 लोग उपचार के बाद घर भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक एक भी पॉजिटिव केस जिला में नहीं मिला है। उन्होंने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए आम जन से घरों में रहने की अपील की और कहा कि जनता कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवाइयों की दुकान, परचून व सब्जी की दुकानों पर सप्लाई जारी रखी जाएगी। वहीं एसपी संगीता कालिया ने कहा कि आमजन के सहयोग से आज तक जिला में कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। उन्होंने आमजन से आगे भी ऐसे सहयोग व जनता कर्फ्यू सफल बनाने की अपील की। एसपी संगीता कालिया ने बताया कि हर इंसान खुद का बचाव करे और बच्चों या बुजुर्गों को लापरवाही कर खतरे में न डाले। उन्होंने केवल जनता कर्फ्यू के दिन ही नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से काबू पाने तक सावधानी बरतने की अपील की। एसपी संगीता कालिया ने बताया कि जनता कर्फ्यू सफल बनाने के लिए पूरी फोर्स तैनात रहेगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। भिवानी में अभी तक 80 जो ट्रैवल रिलेटेड केसेस थे और उनको बेसिकली मॉनिटर किया गया और उनको होम क्वारंटीन में रखा गया। उसमें से 45 के आसपास जो लोग हैं वो अपना क्वारंटीन का अवधि पूरी कर चुके हैं और किसी में कोई किस तरह का कोई सिम्टम नहीं आया। इसके अतिरिक्त किसी को जैसे कफ का सिंड्रोम, तो एक आध कोई ऐसा केस था तो उसको आइसोलेशन में रखा गया है और अभी हम आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी वगैरह ही हमने चेक करी है। एंड इसके अतिरिक्त कल जो जनता कर्फ्यू है इसके लिए सभी को यही मैसेज है कि अपने घर में रहें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और जो सिर्फ ज़रूरी सामान है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे दवाइयाँ हो गई और आपकी ग्रोसरीज हो गई और कुछ बेसिकली सुबह सब्ज़ी वगैरह का थोड़ा बहुत चीज़ें एंड आपके पेट्रोल पंप और गैस सप्लाईज, यही जो हैं वो चीज़ें खुली रहेंगी। बाकी नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए जो लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले, अंदर ही रहें। देखिए, अभी तक की जितनी भी इस संक्रमण से निपटने की तैयारियां हैं, चाहे वो सिविल प्रशासन की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो, उन सभी का हमने मिलकर जायज़ा लिया है और उस प्रबंध को देखा है। अभी तक एक या दो केसेस जो नोटिस में आए थे वो ठीक हो चुके हैं और इसके अलावा मैं जन सहयोग के लिए जो अभी तक रहा है, जनता ने हमें सहयोग किया है और इसकी वजह से ही भिवानी अभी तक सेफ है और आशा करती हूँ कि सभी लोग इस मुहिम में शामिल होंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का, एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा, हमें खुद को रोकना होगा, हमें खुद को भी बचाना है, अपनों को भी बचाना है, अपने समाज को भी बचाना है, अपने आसपास के लोग जितने भी हैं उनको जागरूक भी करना है। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि कल के कर्फ्यू को तो सफल बनाएं ही बनाएं, विलिंगली बनाएं। भिवानी शहर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन मिला और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता ने कोरोना से लड़ाई कर इसे खत्म करने की और स्वयं को बचाने की बात मानी और पूरा दिन अपने घरों में ही रहे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार करीबन बंद रहा।
वहीं किन्नर समाज ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। भिवानी में जनता कर्फ्यू का पूर्ण असर दिखाई दे रहा है। सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हैं, लोग अपने घरों में ही हैं और लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों में ही रहें। लोग जनता कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, बच्चे घर में ही लूडो व कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं गृहिणियां भी अपने बच्चों को तरह तरह का भोजन बनाकर परोस रही हैं। दिन प्रधानमंत्री के अपील के साथ घर में ही रहेंगे और घर में ही खेलेंगे और पढ़ाई करेंगे। पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके समर्थन करते हुए हम सभी आज अपने अपने घर पे रहे थे और हम इस मुहिम में प्रधानमंत्री के साथ है, इसलिए हम आज घर से बाहर नहीं निकले हैं। आज हम जनता कर्फ्यू में घर पे ही रहे और घर पे ही खाना खाया और घर पे ही खेले। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के ये जनता कर्फ्यू के उसमें सहयोग दिया। पूरे दिन घर पर रहे और हमने जनता कर्फ्यू का पूरा समर्थन दिया और हमने प्रधानमंत्री की पूरी बात मानी। जनता कर्फ्यू के समर्थन को देखते हुए नगर परिषद ने भी जनता की सेवा करने के लिए अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। रविवार को सुबह सवेरे ही नगर परिषद की टीम बाहर निकली और अनेक जगहों पर गलियों में और बाजारों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया ताकि कोरोना के वायरस से लड़ाई की जा सके और उसकी चेन को तोड़ा जा सके। भिवानी में कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पूरा असर दिखाई दिया। कोरोना वायरस से बचने के लिए नगर परिषद ने पूरी टीम के साथ पूरे शहर में दुकानें, होटल, घरों को सैनिटाइज किया। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते नगर परिषद ने अपनी पूरी टीम के साथ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए शहर में लगी गेल्स, दुकानों के शटर्स, ताले, बाजारों में दवाइयों का छिड़काव किया और वहीं कोरोना वायरस से शहरवासी पूरी तरह से मुक्त हो सके इस बात की पूरी प्रबंध किए गए। वहीं चेयरमैन ने कहा कि नगरवासियों को स्वच्छता रखने के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए। संसद की तरफ से अब की बार पूरे इसमें जो आज प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया, हमारा पूरा सहयोग है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी और जो सैनिटेशन का काम है क्योंकि हमारे द्वारा ही किया जा सकता है, तो इसलिए नगर परिषद अकेले मिल करके इस कार्य को अंजाम देने जा रही है और पूरे शहर को हम सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे। लगभग कोई भी जगह से नहीं बचेगी। हमने आज तुरंत प्रभाव से 10 नए टैंक मंगा करके और पूरे शहर के अंदर आज हम इसको सैनिटाइज कर देंगे। पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि मेडिसिन का भी अभाव है, मेडिसिन भी पूरी नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक नगर परिषद का सहयोग रहेगा, भिवानी वासियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं, नगर परिषद पूरी उनके साथ है। और मैं सभी नागरिकों से अपील भी करना चाहूँगा, सफाई में थोड़ा हमारा सहयोग करें क्योंकि यह कठिनाई की घड़ी है। इस समय पर सभी नागरिक अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम अवश्य रूप से इस कोरोना को जड़ से खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। नगर परिषद भिवानी के जो सफाई कर्मचारी है वे इस बीमारी के सामने अपना सीना तान के खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्दी इस बीमारी का देश में क्या पूरे विश्व में इस सफाई कर्मचारी इस बीमारी के सामने अपना सीना ताने खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से हम शहर से भी अपील करना चाहते हैं कि जितने भी है अपने इंसानों से दूरी बनाकर रखें और अपने सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें। वैसे हमारे चेयरमैन साहब अभी कह रहे थे कि भाई सफाई व्यवस्था में और दवाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। भिवानी के नागरिकों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन तो किया ही, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 5:30 बजे ताली, थाली व घंटियां इत्यादि बजाकर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, नगर परिषद, मीडिया कर्मी एवं आवश्यक सेवाएं देने वालों का धन्यवाद भी किया। सभी कर्मचारियों का मानना था कि देशवासियों के प्रति अपना फर्ज उन्होंने निभाया है और निभा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भिवानी जिले में जनता कर्फ्यू लगाने में लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। कर्फ्यू के दौरान व्यापारिक संस्थान, पेट्रोल पंप, होटल्स बंद रहे और यातायात के वाहनों के पहिए भी जाम रहे। इसे कहते हैं स्वास्थ्य के प्रति एक अपील पर जनता का पूर्ण समर्थन। वहीं इस कार्य में पुलिस, स्वास्थ्य, मीडिया कर्मी व नगर परिषद कर्मियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन कर्मचारियों ने जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं जो ही ये कर्मचारी नगर स्थित कॉलोनीज में पहुंचे तो नगर वासियों ने अपने अपने घरों से निकलकर घंटी बजाकर, तालियां बजाकर, थालियां बजाकर इनका जोरदार स्वागत किया और इनका धन्यवाद भी किया। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर वे देशवासियों के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं और यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है।
सही। जिंदगी में ऐसा अद्भुत नज़ारा पहली बार देखा है जिसमें सभी मोहल्लावासी अपने घर से ही ताली थाली व शंख बजाकर इस कोरोना वायरस से बचाव में लगे सभी कर्मियों का इस प्रकार सम्मान कर रहे हैं। किया जाता है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने धारा 144 लगा दी है। किसी भी स्थान पर 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे न हो 22 तारीख यानी कल सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक घर से बाहर न जाएं। जनता कर्फ्यू का सहयोग करें। कर धन्यवाद कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, उन सभी का। हाय बंसाल बड़ी। इसी के साथ साथ जो जो ये कर्मचारी शहर में सैनिटाइज करने के लिए पहुंचे तो नगर वासियों ने इनका थाली बजाकर ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया और इनका धन्यवाद भी किया और ये भी कहा कि जब ये इतना कर सकते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश के प्रति अपना प्रधानमंत्री के आह्वान पर समर्थन व्यक्त करे। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, हमने उसका पूरी तरह से समर्थन किया है, पालन किया है और सही 5 बजे ताली बजाकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का और जो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए, उनका सभी का धन्यवाद भेजा है। धन्यवाद। जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, वह पूरी तरह सफल रहा और सभी पुलिस कर्मियों ने, नगर परिषद के कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों ने जगह जगह पर जाके इसको चेक किया और बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। हमने इस जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है और इस कार्य में लगे हुए हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मी और हमारे मीडिया के सहभागी ने काफी अच्छा साथ दिया है। हम इनका अभी अभी 5 मिनट तक ताली बजाकर थाली बजाकर इनका समर्थन करते हैं और इनको अपना पूरा सहयोग देते हैं ताकि हम कोरोना की लड़ाई की जीत सके। थाली व शंख बजाकर इस कोरोना वायरस से बचाव में लगे सभी कर्मियों का इस प्रकार सम्मान कर रहे हैं। घरों के दरवाजे पर आकर ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सबका धन्यवाद कर रहे हैं, उन सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये देखकर बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर सारा जनमानस इकट्ठा हो गया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
जिला प्रशासन ने देर शाम जनता कर्फ्यू सफल बनाने की तैयारी की पूरी। जनता कर्फ्यू का भिवानी में व्यापक असर, प्रधानमंत्री की अपील को मिला पूर्ण जन समर्थन। जनता कर्फ्यू में लोगों का पूर्ण समर्थन, नगर परिषद की टीम ने शहर को किया सैनिटाइज। भिवानी के नागरिकों ने थाली व ताली बजाकर किया 5:30 बजे कर्मचारियों का स्वागत। हमारे संग बस इतना ही, अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।